वाज दिस आइडिया स्टोलेन फ्रॉम हुडा ब्यूटी क्योंकि फेंटी ब्यूटी पे ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने हुडा ब्यूटी को कॉपी किया है तो जिन्हें नहीं पता रिहाना एक ब्यूटी ब्रांड ओन करती है फैंटी ब्यूटी के नाम से एंड हुडा कटान भी एक ब्यूटी ब्रांड ओन करती है और उसका नाम है उडा ब्यूटी हुडा ब्यूटी ने कुछ दिन पहले ना आईसी क्रायो प्लम्पिंग लिप बाम लॉन्च किया था फॉर ट्वेंटी फाइव डॉलर और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह दिखता है इट इज अ ग्लॉस जो लिप प्लम्पर की तरह भी काम करता है बट सरप्राइजिंगली कुछ ही वक्त बाद फेंटी ब्यूटी ने भी एक ग्लॉस बॉम्ब आइस कूलिंग लिप लुमिनाइजर को लॉन्च किया सी मार्केट में अभी कई लिप प्लम्पर्स हैं बट ये जो कंसेप्ट था ना लिप कूलिंग लुमिनाइजर का वो हुडा ब्यूटी ने कुछ नया लाया था एंड जिस तरह उनका प्रोडक्ट पैकेजिंग रहा है उसमें फेंटी ब्यूटी के लिप लुमिनाइजर में काफी सिमिलैरिटी देखने मिल रहा है जो भी लोगों को यह पता था डेट हुडा ब्यूटी का लॉन्च पहले हुआ है दे स्टार्टेड अक्यूजिंग ऑफ स्टीलिंग आइडिया एंड जिन्हें नहीं पता था कि कौन सा प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ है वो लोग क्या कर रहे थे कि दे स्टार्टेड अक्यूजिंग हुडा क्यूँकी अफकोर्स रिहाना काफी ज्यादा फेमस है अभी फेंटी ब्यूटी वो जो उनका प्रोडक्ट है ना वो ट्वेंटी फोर डॉलर में सेल कर रहा है एक डॉलर हुडा से कम एंड फेंटी का जो बॉटल भी है ना वो हुडा से थोड़ा छोटा है बट अगर आप ग्लॉस का कलर वगैरह कंपेयर करोगे तो बहुत सिमिलरिटी आपको देखने मिलेगा एंड ये पूरे सिनारियों में ऐसा लग नहीं रहा कि फेंटी ने हुडा ब्यूटी का आइडिया कॉपी किया है या वाइस वर्सा। एंड ये बोलने के पीछे रीजन ये है की दोनों ने सेम सीजन में लॉन्च किया था अपना अपना प्रोडक्ट विच मीन्स पिछले कई महीनों से दे आर वर्किंग ऑन इट तो इतने कम टाइम में कोई किस को कॉपी नहीं कर सकता प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में वगैरह टाइम लगता है एंड अगर केस ये होता ना कि हुडा ने जुलाई में लॉन्च किया अपना यह आईसी ग्लॉस प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट ईयर फेंटी ने भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च किया होता विद सिमिलर पैकेजिंग तो बोला जा सकता था कि फेंटी ने हुडा जैसा प्रोडक्ट बनाया है बट फेंटी ब्यूटी ने भी काफी क्विकली लॉन्च किया अपना प्रोडक्ट तो इतना फास्ट कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता प्लस अलग अलग स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लगता है तो दिस शोज की फेंटी वॉजो वर्किंग ऑन द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम पास्ट मेनी मंथ जस्ट दैट फेंटी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हुडा भी एक सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो भी उनसे पहले बट देन सवाल यहाँ ये यह उठता है कि इतना सिमिलरिटी कैसे नाम में पैकेजिंग में एंड कंसेप्ट वाइज तो इसके जवाब में आई वुड से कि कल्प्रिट यहाँ शायद रिटेलर है एंड विक्टिम ब्यूटी ब्रांड्स लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल एक फरसाली करके ब्रांड है जो उनके फेस ऑयल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो उनके साथ भी ये हुआ था उन्होंने कुछ साल पहले एक नए कंसेप्ट के साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया था एंड दैट वाज अ जेली हाइलाइटर वो इंडस्ट्री फर्स्ट जेली हाइलाइटर था बिकॉज उसके पहले हाइलाइटर के कैटेगरी में किसने ऐसा कुछ फॉर्मुलेशन के साथ लॉन्च नहीं किया था बट लॉन्च के पहले ना कई प्रोसीजर्स होते हैं जिस वजह से एट टाइम्स क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है तो समझो फरसाली अपने नए प्रोडक्ट पे काम करी है फॉर्मुलेशन पे काम करी है पर लॉन्च के कुछ महीने पहले ना उन्हें अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में रिटेलर्स को बताना पड़ता है सो दैट फरसाली को स्टोर्स में शेल्फ स्पेस मिल पाए एंड रिटेलर भी रेडी रहे अपने स्टोर्स में टू शो केस बेस न्यू प्रोडक्ट्स तो फरसाली ने ये कंसेप्ट के बारे में समझो सफोरा जैसे किसी रिटेलर को बता दिया कि एक महीने या दो महीने बाद वी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड द प्रोडक्ट एंड अगर आप सोच रहे हो कि उन्हें ये छुपा के रखना चाहिए तो वैसा होता नहीं सप्लाई चेन अगर रेडी रखना है तो इन्फॉर्मेशन बांटना पड़ता है एक दूसरे के साथ तो ऐसी चीजें कम्युनिकेट होती है पर क्योंकि एक रिटेलर के साथ हजार से भी ज्यादा ब्रांड्स जुड़े होते हैं तो वो रिटेलर क्या करता है कि दूसरे ब्रांड के पास जाता है एंड उन्हें ये आइडिया के बारे में बता देता है कि एक दो महीने बाद ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है एंड एट टाइम्स वो ये भी गेम खेलते हैं दैट दे डोंट इवन रिवील कि ऑलरेडी फरसाली इस पे काम कर रहा है ट में नहीं है तो यू शुड लॉन्च सम्सर्च फॉर्ट वो आइडिया के साथलाइटर तो रिटेलर ने उनका आइडिया लीक कर दिया एंड जब लॉन्च का दिन आया था मार्केट तब सब नॉर्मल था बट शेल्फ स्पेस मिलने के कुछ ही दिन बाद एक दूसरे ब्रांड ने भी वही स्पेस के बाजू में खुद का जेली हाईलाइटर डिस्प्ले के लिए लगा दिया एंड दैट टू एट अ चीपर प्राइस तो एक एक साइड साइड फरसाली का का जली हाइलाइटर था ना दूसरे अभी समझो रिटेलर ने अगर लीक नहीं किया होता ये इन्फॉर्मेशन तो कॉपी करने वाला जो ब्रांड है ना उसे और भी ज्यादा समय लगता टू लॉन्च द प्रोडक्ट जब फरसाली का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता उसके बाद वो कॉपी करना शुरू करता बट एक या दो महीना उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में लगता एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी और टाइम लगता एंड तब तक शायद फरसाली मार्केट में अपने कस्टमर्स को कैप्चर कर लेता बट इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से वो तीन चार महीने का जो विंडो था ना वो श्रिंक होकर एक हफ्ते का हो गया

पर ओवरऑल जो भी हजार ब्रांड्स उसके साथ जुड़े हुए है ना उनके सबके सेल्स को काउंट किया जाता है एंड उस पर नायका का सेल्स डिपेंड करता है विच मीन्स अगर मैं कोई लिप प्लम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो नायका को चाहिए रहेगा कि मे बी लीन के ब्यूटी भी वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे सो दैट कस्टमर्स के पास ऑप्शन हो टू चूज फ्राम एंड वेन देर आर डिफरेंट ऑप्शन एंड डिफरेंट प्राइसिंग पॉइंट अवेलेबल फॉर द सेम प्रोडक्ट तब चांसेस ज्यादा होते हैं कि कस्टमर्स वो कैटेगरी से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे एक ही ऑप्शन हुआ तो चांसेस ज्यादा है कि दे विल स्किप इट तो नायका का फायदा इसमें है कि कई ब्रांड सिमिलर प्रोडक्ट्स लॉन्च करें सो दैट उनका जो ओवरऑल सेल्स है वो बढ़े एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बिटवीन ब्रांड्स एंड रिटेलर्स इसी वजह से कई ब्रांड्स के आइडियाज लीक हो जाते हैं क्योंकि ब्रांड्स को चाहिए कि उनका ही प्रोडक्ट अलग दिखे एंड रिटेलर को चाहिए कि, कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स दिखे हेंस नया कंसेप्ट लाने के बावजूद ऐसे केसेस में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो स्टैंड आउट नहीं कर पाते बिकॉज आइडिया लीक हो जाता है अभी रिहाना एंडा दोनों शायद ये चीज के बारे में अवेयर नहीं होंगे एंड शायद हो भी बट वॉट कैन बी डन किसका ओरिजिनल आइडिया था नो वन वुड नो जस्ट बिकॉज फेंटी ने थोड़े दिन बाद लॉन्च किया दैट मीन की दे मे बी रिटेलर ने लॉन्च डेट भी लीक किया होगा जिस वजह से दूसरे पार्टी ने जल्दी लॉन्च किया अभी आई एम नॉट अक्यूजिंग हुडा ब्यूटी हुडा ब्यूटी इज एन अमेजिंग ब्रांड बट आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दिनारियो हो सकता है फेंटी का ओरिजिनल आइडिया था हो सकता है हुडा का ओरिजिनल आइडिया था बट कहीं ना कहीं ये लीक हुआ है इन्फॉर्मेशन इसी वजह से नीदर फ्रेन टीन और हुआ कैन बी अक्यूज ऑफ हुडा कटान ने इस मैटर पे बात भी किया एंड काफी ग्रेसफुली सिचुएशन को हैंडल किया शी सर की इट वॉज जस्ट अ को इंसिडेंस एंड नथिंग एल्स How did this happen? Was there a leak? Did the manufacturer share something? Why did we come out with something so oddly similar? Like a spice and an ice? I'm sorry, that's just so weird. I can honestly tell you guys, I think this was just a very weird coincidence. <laughs> yes, they are very similar. They feel very similar, but I can tell you we worked with the number one manufacturer in the world for our silk bomb products. And I think, I'm not sure, but I think Fenty's also producing their gloss bomb with the same manufacturer. But in this scenario possibility be a of possibility that retailer is major culprit. बट ब्यूटी ब्रांड्स जो है ना पता होने के बावजूद उनपे डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकती अदरवाइज उनका जो प्रोडक्ट है वो शायद रिटेलर अपने स्टोर्स में डिस्प्ले करना बंद कर देगा तो सच पता होने के बावजूद चुप बैठते हैं इतना मेहनत लगता है प्रोडक्ट के पीछे एंड बाद में कोई जाके उसे कॉपी कर लेता है सेम सीजन सेम टाइम फ्रेम में दो बड़े ब्यूटी ब्रांड्स का आईसी क्रायोलिप लुमिनाइसिंग क्लास का लॉन्च करना वो भी इतने सिमिलर पैकेजिंग के साथ प्लस उनके फॉर्मुलेशन का कलर भी सिमिलर है तो अगर इतना ज्यादा को होगा तो सवाल उठेंगे बट हां यू हैव टू ऑल्सो नो दिस कि फेंटी एंड हुडा दोनों ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो अपने ओरिजिनल आइडियाज के लिए जाने जाते हैं हुडा ने मार्केट में आईलैश गेम से शुरू किया था उसके बाद उनका लिक्विड लिपस्टिक भी काफी फेमस हुआ एंड कई सालों से शी हैज बिन ड्रॉपिंग ऑरिजनल प्रोडक्ट आइडिया सेम गोज फॉर फेंटी इट इज एन इंक्लूसिव ब्रांड हुटरिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ स्किन कलर्स एंड दट इज इंप्रेसिव उनके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे है तो ये फीमेल्स का बैकग्राउंड ऐसा है दट उन्हें देख के लगता नहीं कि दे विल कॉपी एनी वन एल्स बट हियर दे गॉड प्लेड द थर्ड पार्टी सो यारैट सर्ट दिस वीडियो डू लेट मी नो कि फेंटी हुडा के प्रोडक्ट्स के आपने कभी ट्राई किया है इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू